कोई भी बैंक का एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का एग्जाम दे रहे हो कुछ भी हर के अंदर ये, ये यूजफुल रहेगा एस किसी भी बैंक का दे दो चाहे ठीक है चलो एंड ये टू थाउजेंड प्लस नॉन वीडियो कोर्स दिस कोर्स इज गोइंग टू बी वेरी बिग इनकमिंग टाइम डेफिनेटली ये गारंटी है तो इसको अभी ले लो तीन सौ रुपए में पड़ता है कोड यूज करने के बाद चलिए फटाफट से पहले क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज फॉर कंट्रोलिंग द माइट्स माइट्स को कंट्रोल करने के लिए जिस केमिकल को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑप्शन ए फंगीसाइड्स बी नेमेटिसाइड्स सी एक्विड्स डी इंसेक्टिसाइड्स एंड ई इज ऑफ अबव ठीक है जैसे पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है पेस्टिसाइड होता है ठीक है वीड्स को कंट्रोल करने के लिए क्या बोलते हैं हम उसको वीडी बोलते हैं या हर्बिसाइड बोलते हैं है ना तो वैसे ही अगर आपको माइट्स को कंट्रोल करना है या रॉडेंट्स को कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या केमिकल आता है तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा दोस्तों तो सिंपल सा क्वेश्चन है ये मुश्किल क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं आएगा ये वो क्वेश्चन है जो संडे को ट्रीट देने के लिए बनाया जाता है ठीक है कि बच्चे पेपर देने आए हैं इतनी मेहनत करके तो कुछ क्वेश्चन ठीक तो करके जाए वाला क्वेश्चन है तो बेटा जो केमिकल्स आपके माइट्स को कंट्रोल करने के लिए यूज होते हैं दे आर कॉल्ड एज एकेरिसाइड्स ओके फंगीसाइड्स आपके फंगस को कंट्रोल करने के लिए नेमेटिसाइड्स नेमाटोड को कंट्रोल करने के लिए और इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए होता है बेसिक सी चीज है ज्यादा टाइम इसके अंदर नहीं देंगे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आएंगे फटाफट से खैरा डिजीज जो होता है राइस क्रॉप के अंदर ये किस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी डिजीजेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा इसको अच्छे से कर लेना अगर आप आईबीपीएस का पेपर देने जा रहे हो आने वाले टाइम में तो ये तो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है ओके सो खैरा डिजीज राइस में किस न्यूट्रियट की डेफिशियंसी से होता है ऑप्शन ए कैल्शियम बी जिंक सी आयरन डी कॉपर इन वन ऑफ दब कई बार ना ऑप्शन में इसी तरीके से आपके जो सिंबल्स होते हैं वो यूज किए जाते हैं तो बच्चे कई बार जिनको जिन्होंने फुल नेम्स पड़े हुए होते हैं वो पता नहीं कर पाते कि भाई जेड क्या है या एफ ई क्या है तो वो भी दिमाग के अंदर रखना कि कई बार वो शॉर्ट में ही देगा ऑप्शंस तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा यहां पर आपका सही आंसर है बेटा जिंक जिंक जो है ये रिस्पॉन्सिबल होता है आपके खैरा डिजीज के लिए ओके सो माइक्रो जिंक एंड खैरा डिजीज राइस में uh, करता है स्पेशली आपको नॉर्थ इंडिया के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी जहां पर जो सॉइल है वो कैलसीयस होता है खैरा डिजीज के जो सिम्टम्स होते हैं वो क्या होता है जो आपकी नीचे की पत्तियां होती हैं लोअर लीव्स होती हैं वो उनका डिस्कलरेशन होना शुरू हो जाएगा हरी से ना वो ब्राउन सी होनी शुरू हो जाएंगी ठीक है एंड ये बेसिकली आपको ट्रांसप्लांटिंग uh, के दो हफ्ते बाद दिखना शुरू हो जाएगा और दूसरा जो मिड रिब होता है रिब का लीव्स का ये जो मिड रिब वाला जो रीजन होता है ना ये वाला जो रीजन होता है ठीक है यहां पर भी आपको क्लोरोटिक इफेक्ट्स यानी कि लॉस ऑफ ग्रीन कलर के इफेक्ट देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे खैरा डिजीज की डेफिशिएंसी में खैरा डिजीज में जो जिंक की डेफिशियंसी से होता है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखिएगा थर्ड क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ व्हाइट बड इन मेज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ व्हाइट बड अगेन सी के ऊपर क्वेश्चन है ऑप्शन है जिंक एमोनियम आयरन सल्फर अब यहां पर देखो हमने फुल नेम्स दे दिए कॉमन नेम्स दे दिए ठीक है वहां पर केमिकल नेम्स दिए थे हमने तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा व्हाइट बर्ड किससे होता है मेज में सो व्हाइट बर्ड होता है बेटा अगेन जिंक की से तो बेसिकली जिंक की डेफिशिय से ही आपका खैरा डिजीज हो रहा है राइस में और जिंक की डेफिशिय से वाइट बर्ड हो रहा है मेज के अंदर ठीक है इसके अंदर बेसिकली व्हाइट बर्ड डिजीज के अंदर क्या होता है जो यंग लीव्स होती है ना उनके जो बर्ड होते हैं वो वाइट होने शुरू हो जाएंगे क्लोरटिक होने कलरलेस हो जाएंगे ठीक है और अल्टीमेटली दे विल लूज देयर ग्रीन कलर एंड इन शॉर्ट टाइम दे विल डाई तो वाइट बर्ड जिंक की वजह से किसमें आपके मेज के अंदर और खैरा डिजीज अगेन जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से किसके अंदर राइस के अंदर इफेक्ट वही है क्लोरोटिक हो रहे हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ स्प्लिनिक फीवर इज अनदर नेम फॉर स्प्लिनिक फीवर इज अनदर नेम फॉर विच डिजीज ठीक है ये एक जूनोटिक डिजीज है एनिमल्स को इफेक्ट करता है स्पेशली आपके काउज बफेलोज एक टेक्स्ट्रा को रूमिनेंट जिनको हम बोलते हैं सो एफएमडी एम डी फाउथ एंड माउथ डिजीज एंथ्रेक्स कॉपॉक्स मेस्टिटिस नन ऑफ दी अब स्प्लिनिक फीवर किस फीवर का नाम है अल्टरनेट नेम आप बोल सकते हो सो द राइट आंसर गाइज़ ओवर हियर इज एंथ्रेक्स एंथ्रेक्स को मैं थोड़ा सा डिटेल में यहां पर डिस्कस करूंगा क्योंकि इसके अंदर से क्वेश्चंस काफी सारे पूछे जा सकते हैं सो एंथ्रेक्स बेटा सबसे पहले तो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लाइफ स्टॉक के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर ये इसने तहलका मचाया हुआ है ठीक है और इसको स्प्लीनिक फीवर भी बोला जाता है क्योंकि इससे क्या होता है ना जो स्प्लीन होता है ना जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है एक तरीके से एनिमल का वो सूजना शुरू हो जाता है एनलार्ज होना शुरू हो जाता है इस इंफेक्शन की वजह से और कैटल और शीप सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है इस डिजीज को जूनोटिक डिजीज है ये ह्यूम के अंदर ट्रांसमिट नहीं होता है ठीक है मोड ऑफ ट्रांजिशन की अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है लेकिन इसमें सबसे बड़ा नुकसान पता है क्या है ये ना सॉइल के अंदर बहुत टाइम तक वाइबल रह सकता है जैसे फॉर एग्जांपल किसी इन्फेक्टेड एनिमल के थ्रू ये सॉइल में एंटर कर गया उसके वेस्ट के थ्रू या जैसे भी सॉइल के अंदर एंटर कर गया तो ऐसा नहीं है कि वो सॉइल के अंदर एंटर कर गया तो इट विल डाई और वो खत्म हो जाएगा नहीं वो सॉइल के अंदर बहुत टाइम तक रहेगा ठीक है अच्छे खासे टाइम तक रहेगा तो उससे क्या होगा वो बाकी एनिमल्स के अंदर स्प्रेड होने का चांस रहेगा क्योंकि बाकी एनिमल्स भी उस एरिया में होंगे तो डेफिनेटली वो बाकी एनिमल्स के अंदर स्प्रेड हो सकता है दूसरा नदी या स्ट्रीम या पानी के थ्रू जो बैक्टीरिया है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हो जाएगा अब आप एनिमल वेस्ट है आप एनिमल्स को क्लीन कर रहे हो ठीक है वो पानी जो है वो डायरेक्टली किसी स्ट्रीम या रिवर में जा रहा है अब कोई इन्फेक्टेड एनिमल है तो उसका पानी भी स्ट्रीम या रिवर में जा रहा है तो वो ट्रांसमिट हो जाएगा ठीक है और कहीं दूर दूसरी जगह पर कोई दूसरा फार्मर है वो अगेन उस पानी को यूज कर रहा है तो डेफिनेटली वहां पर इफेक्ट आ सकता है अब कोई कार्निवोर एनिमल है उसने जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसको खा लिया ठीक है उसको उसके ऊपर उसने फेस्ट कर लिया तो अल्टीमेटली वो भी एक प्रॉब्लम है क्योंकि वो कार्निवर एनिमल अगेन स्प्रेड करेगा उस डिजीज को जो बर्ड्स हैं जो डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स के के ऊपर सर्वाइव करते हैं अगेन वो भी इसको स्प्रेड कर सकते हैं फ्लाइज के थ्रू भी ये स्प्रेड हो सकता है अगर वो इन्फेक्टेड एनिमल्स के टच में आते हैं ठीक है जी क्लिनिकल सिम्टम्स की अगर हम बात करें इसके अंदर जो टेम्परेचर है एनिमल का बॉडी टेम्परेचर वो राइज कर जाएगा 104 से 108 डिग्री सेल्सियस एनिमल जो है वो खाएगा नहीं ठीक से ठीक है रिफ्यूज करेगा ईट को क्योंकि उसको एक ब्लॉटेड फीलिंग आएगी डिप्रेस्ड दिखेगा आपको एनिमल ब्रीदिंग में भी उसको प्रॉब्लम रहेगी एंड इट कैन ऑल्सो रिजल्ट इन टू सडन डेथ आवर्स इलनेस के एंड द एनिमल विल डाई और जब एनिमल की डेथ हो जाएगी ना तो जो जैसे नाक से या जो भी ओपनिंग्स होती है ना बॉडी की नाक कान वगैरह वहां से उसको ब्लड फ्लो होता हुआ आपको दिखेगा तो यू कैन रियलाइज कि ये एंथ्रेक्स की वजह से एनिमल की डेथ हुई है ओके okay, गाइस all right now come to the fifth question and the last question of this video टॉगेनबर्ग इज अ नेटिव ऑफ टॉगेनबर्ग किस चीज की वैरायटी है किस 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 चीज की स्पीशीज है सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ठीक है वो ये भी पूछ सकता था टॉगेनबर्ग इज अ स्पीशीज ऑफ ऑप्शन ए गोट बी शीप सी कैटल सी काउ डी बुफेलो इन रन ऑफ तो वो भी एक क्वेश्चन हो सकता था तो ये बेटा goat की एक स्पीशीज है एंड ये आपको कहां पर मिलती है इसका आंसर क्या होगा द राइट आंसर एयर इज ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड ठीक है स्विट्जरलैंड के अंदर आपको टॉगन बर्ग जो ब्रीड है ये आपको मिलेगा सो so, टॉगनबर्ग के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं जो टॉगनबर्ग वैली है स्विट्जरलैंड में वहां पर ये बेसिकली मिलती है और वहीं से नाम टॉगनबर्ग पड़ा है स्किन इसकी काफी सॉफ्ट होती है ठीक है uh, दोनों मेल और फीमेल जो है हॉर्नलेस होते हैं एडल्ट जो डो है यानी कि फीमेल है इट इज अराउंड सिक्सटी फाइव और जो मेल है दैट इज एटी के एवरेज मिल्क प्रोडक्शन अराउंड 5.5 पॉइंट के जी पर डे का रहता है बटर जो फैट कंटेंट होता है का वो तीन से चार परसेंट है और मेल और फीमेल में एक जो डिस्टिंगटिंग पॉइंट होता है वो ये होता है कि जो मेल होते हैं उनके जो हेयर्स होते हैं दे आर लॉन्गर देन द फीमेल ठीक है तो ये पॉइंट याद रखिएगा ऑल गाइस सो दीज वर द्विक फाइव क्वेश्चन एंड इसी तरीके से लेक्चर जो है we'll keep on अब आप इस बार का चलो आईबीपीएसओ निकल जाएगा उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर के लिए जो बच्चे प्रिपेयर कर रहे हो ना नबार्ड आईबीपीएसएफओ उनके लिए इतना कंटेंट बिल्डअप हो जाने वाला है इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कि आधी से ज्यादा प्रिपरेशन यहीं से हो जाएगी आपकी ये गारंटी है बस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय